फ्रेंड्स, घर में तो सभी के तकिए या पिलोज तो होते हैं, सभी के घर पे होते हैं, तो बस आपको चाहिए दो पिलो या दो कुशन ले लीजिए। और उसके साथ आपको सिर्फ दो एक्सरसाइज ऐसा बताऊंगी जो इतना इफेक्टिव होता है कि इतना अच्छा असर करेगा आपको, लगातार आप अगर महीनों इसे करते हो, रोज आना एक ही टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी किसी का वेट सही होता है पर पेट बाहर निकला हुआ होता है, पेट भारी होता है, पेट का पोर्शन बहुत भारी होता है। खासकर जो नई माएं हैं, जो मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं, जो कहते हैं, खास मुझे काफी कमेंट करते हो कि जैसा मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है या मेरा जो है सिजेरियन बेबी है, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, मैं कैसे कम करूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, कुछ आसान सा बताओ। तो आज आपको बहुत आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, हर कोई कर सकता है इसको जिनके घुटनों में दर्द है। काफी लोग मुझे कमेंट करते हो कि घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो लोग भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इतना आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है और सुपर इजी एकदम, और बहुत ही काम में आने वाला एक असरदार एक्सरसाइज है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोगों को जो करना होगा, अपना डाइट थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो क्या कर सकते हो आप, तो चलो मैं थोड़ा सा पहले आपको हल्का सा एक डाइट बता देती हूँ, ठीक है। उसी से मिलता जुलता ही आपको फॉलो करना है, जैसा मैं बता रही हूँ इसी से मिलता जुलता है। जरूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ इसी को ही आपको खाना है, जो सब्जी मैं आपको बोल रही हूँ उसी को ही खाना है, ऐसा नहीं है। बस इसी से मिलता जुलता ही आप कुछ आपको खाना है। तो चलो पहले हल्का सा एक डाइट आपको शेयर कर दूं और उसके बाद दो इफेक्टिव एक्सरसाइज, वो भी सिर्फ एक पिलो की मदद से आपको दिखाती। सो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही हल्का गुनगुना गर्म पानी आप ले लीजिए और उसमें आपको आधा नींबू डालकर पीना है। और जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता या जो लोग नींबू नहीं लेना चाहते हैं, तो वो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सारी रात एक छोटा चम्मच जीरा भिगोकर रख दीजिए और सुबह आप जीरे का पानी पी सकते हैं, और जो जीरा बच जाएगा उसे आप सब्जियों में भी डाल सकते हैं। तो सुबह ये दो वेट लॉस ड्रिंक्स ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि दिन में एक वेट लॉस ड्रिंक पीना बहुत ज़रूरी होता है, ये वज़न घटाने में मदद करता है। इसके बाद आपको जो है ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप दलिये की इस तरह से खिचड़ी बना सकते हैं, सब्जियां वगैरह डालकर, अपनी चॉइस की कोई भी सब्जी आप डालकर दलिया बना लें, या ओट्स की खिचड़ी भी आप बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप ब्राउन ब्रेड में हरी चटनी और जैसे खीरा टमाटर वगैरह डालकर ले सकते हैं, और साथ में बॉयल्ड एग अगर आप लोग खाते हैं तो ज़रूर एक बॉयल्ड एग रख लीजिए। और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप दही खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ सैंडविच ले लिया और साथ में एक छोटी कटोरी आप दही खा सकते हैं, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं। इसके बाद आप कोई भी अपनी चॉइस की एक फ्रूट ले सकते हो, या फिर भीगी हुई मूंग की दाल जो होती है, ग्रीन मूंग दाल भीगी हुई सोक्ड की हुई, वो ले सकते हो, और कोई भी फ्रूट ले लो। इसके बाद लंच में आपको लेनी है थोड़ी क्वांटिटी में चावल, अगर आप चावल खाते हैं तो बिल्कुल छोटी सी एक कटोरी चावल ले लीजिए, या फिर अगर आप रोटी खाते हैं तो एक या दो हल्की एकदम पतली सी रोटी आप ले सकते हैं। लेकिन सलाद आपको बहुत सारा लेना है, दाल लेनी है एक बड़ी कटोरी, और कोई भी चॉइस की आप सब्जी खा सकते हो, लेकिन आपको चावल और रोटी जो है थोड़ी कम मात्रा में लेनी है। और इसके बाद शाम के टाइम आप इस तरह से भीगे हुए चने आप खा सकते हो, और साथ में थोड़ी सी सलाद और एक कप ग्रीन टी। ग्रीन टी ज़रूर लें, ये वेट कम करने में बहुत मदद करता है। रात को आपको लेना है कोई भी आपकी चॉइस की एक सब्जी और साथ में एक रोटी, गेहूं की रोटी आपको लेनी है। फ्रेंड्स, डाइट आपने देख ली आपको क्या करना है बस, और साथ में थोड़ा सा परहेज करना है मीठा, फ्राइड, तली हुई चीज़ों, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा कम खाइए, बिल्कुल खाइए, ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही मत खाइए, ओकेशनली खाइए, कम खाइए, रोज आना मत खाइए, रोज के रेगुलर बेसिस में आपने खूब सारा खाना ऐसा खा रहे हैं ऐसा मत कीजिए, थोड़ा बहुत खाइए, पर खाइए जरूर लेकिन कम खाइए। और चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। सो फ्रेंड, एक एक्सरसाइज में आपको चाहिए दो तकिए या फिर दो कुशन, अगर आपके घर में है कुशन ले लीजिए या दो पिलो ले लीजिए, और इस तरह से दोनों को रख लीजिए। और इसके बाद आपका जो बेली है, बिल्कुल बेली आपको पिलो के ऊपर इस तरह से रखना है, और हाथ और पैरों को इस तरह से हवा में
उठा लेना है और इस तरह से आपको ऐसे सोचना है कि जैसे आप पानी में तैर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है आपके बेली के फैट को कम करने के लिए। और अगर आपको हाथ और पैर जैसे हवा में तैरते हैं उस तरह से करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिर्फ हाथ और पैरों को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के बाद 1 से 10 तक काउंट करना है और फिर धीरे धीरे नीचे उतार देना है। तो जब आप पैर ऊपर उठाओगे तो सांस लोगे, और जब आप हाथ और पैरों को नीचे उतारोगे तो तब आपको सांस छोड़नी है। तो बस इस तरह से ये आपको 10 बार करना है शुरुआत में, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, 20 बार फिर 30 बार कीजिए। ये पहला एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, पहला एक्सरसाइज देख लिया आपने इस तकिए से किस तरह से करना है। जी हाँ, तकिए, 2 तकिए या 2 कुशन आपको रखना है। अपनी बेली बिल्कुल प्रॉपरली अपनी बेली इस तकिए के ऊपर रखना है, आपको उल्टा लेटना है और आपकी बेली जो है बिल्कुल तकिए पर होनी चाहिए। और आपको अपने हाथों और पैरों को ऊपर की तरफ करना है, जैसे ऐसा लगे कि आप तैर रहे हैं हवा में। और आपको क्या करना है, ऊपर जब उठाएंगे तो सांस लेना है, जब आप हाथ और पैर नीचे करेंगे सांस आपको छोड़नी है। और इसे 10 बार करना है शुरुआत में। धीरे धीरे जितना हो सके इसको बढ़ाते जाइए, जितना आप बढ़ाते जाओगे, जितना करते जाओगे, 10 बार किया एक दिन, फिर दूसरे दिन आपने 20 बार किया, फिर 30 बार किया, तो धीरे धीरे ये इतनी असरदार है, इतनी जल्दी आपका बेली फैट ये कम करेगी, बहुत असरदार। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, आपका आपका अगर पेट साफ नहीं होता तो ये आपके पेट को भी साफ रखेगा। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा एक्सरसाइज, वो भी इस पिलो से। तो दूसरा एक्सरसाइज भी बहुत असरदार है, और साथ ही साथ जिन लोगों को बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम है वो उन लोगों के लिए भी ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे। बैक पेन की प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका जो है घुटनों का दर्द भी अच्छा हो जाएगा, आपकी बेली फैट भी कम हो जाएगी। ये एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज में भी आपको 2 पिलो या फिर 2 कुशन ले लेना है, और इस तरह से अपना बैक साइड जो है आपका वो आपको पिलो के ऊपर इस तरह से रखना है, और फिर आपको सर नीचे झुका लेना है और हाथ और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट आपको रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट रखो और धीरे धीरे एक पैर को उठाना है, फिर दूसरे पैर को, इस तरह से आप करते जाइए। तो ये भी एक बहुत असरदार एक्सरसाइज है, ये आपके बैक पेन को ख़त्म करेगा, आपके घुटनों के दर्द को भी कम करेगा, और आपके बेली फैट को भी ये घटाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा एक्सरसाइज भी आपने देख लिया, वो भी तकिए की मदद से। आपको उल्टा लेटना है और तकिया बिल्कुल आपका जो बेली फैट है, आपका आपकी जो कमर है, बेली फैट है, बेली है, वहां पर आपको तकिया रखना है। दोनों तकिए रख लीजिए या कुशन रख लीजिए, बीचों बीच बिल्कुल रखना है। आपका जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बीचों बीच बिल्कुल दोनों तकिए आपको रखने हैं। फिर इस तरह से आपको लेट जाना है और धीरे धीरे एक पैर ऊपर उठाना है, उसे नीचे रखना है, फिर दूसरा पैर उठाना है, फिर नीचे रखना है। ये आपका घुटनों का दर्द ठीक कर देगा, आपका बैक पेन ठीक करेगा, साथ ही साथ आपका बेली का फैट भी बड़े अच्छे से लॉस करेगा। इसे करके देखिए, शुरू में आपको 10 बार करना है, और जब आप जैसे लेट गए, पैर जब आप उठाओगे सांस लेना है, पैर नीचे जब करोगे सांस छोड़नी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा और इसे करते रहिए। 10 बार कीजिए शुरू में, फिर 20 बार कीजिए, फिर 30 बार कीजिए। जितना आप करोगे, जितना करते जाओगे, उतनी जल्दी आप अपना बेली फैट लॉस करोगे। और देखो, पूरा जो हमारा हेल्दी रहने का जो पूरा सिस्टम होता है वो हमारे पेट से ही होता है। पेट जितना आपका सही रहेगा, सही से काम करेगा, उतना ही आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे, मोटे नहीं होगे, आपको फैट नहीं होगी, और बहुत ही आप एक्टिव रहोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। आप इसे ट्राई करो, ट्राई करने के बाद 1 महीने बाद भी हो तो आकर मुझे जरूर कमेंट करना कि आप लोगों को फायदा मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के इजी एक्सरसाइजेस मैं शेयर करती रहूंगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा।